क्या लग रहा है गाइस। तो हम लोग निकल गए हैं मसूरी के वेरी वेरी फेमस माल रोड पे, गर्मा गर्म। हेलो गाइस, की हाल चाल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। हम लोग आ गए हैं द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी में। हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया होटल। एक्चुअली ये पीछे वाइट लग रहा है बट एक्चुअली ये है पूरे बादल, पूरा यहाँ पे क्लाउड्स हो रखा है हमारे। ये यहाँ पे देखिए क्लाउड्स जा रहे हैं, यहाँ पे भी क्लाउड्स है। तो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। मैं आज से 8-9 साल पहले कश्मीर गया था, मेरे को वो फील आ गया भाई साहब, अलग लेवल का लोकेशन है। ये मेरे सामने का भी व्यू है, पूरा क्लाउड्स, टोटल क्लाउड्स। वो आप शायद गाड़ी पार्किंग देख सकते हो, अगर हो सके तो कार पार्किंग। ये यहाँ पे ये है कार पार्किंग। मसूरी में होटल्स का प्राइस रेंज है ऑलमोस्ट 800-1000 रुपीज़। हाँ, कहीं कहीं 1500 भी है अगर आपको ऐसे अच्छे व्यूज़ चाहिए तो। एक्चुअली हम जब बस में आ रहे थे तो हमको कुछ दिल्ली से दोस्त मिल गए, तो उन लोगों के कारण हमको ये बढ़िया सा होटल मिल गया। ये कुछ हमको 800 रुपीज़ पड़ा। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तो हम लोग निकल गए हैं मसूरी के वेरी वेरी फेमस माल रोड पे। बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ, बहुत सुंदर है पहाड़ों के ऊपर, बहुत ही प्यारा है। इसको मतलब व्लॉग में देखना तो ठीक है बट आना पड़ेगा यार, आके ही आपको वो मज़ा आएगा। हम लोग अभी कुछ खाएंगे, हम लोग लिटरली सवेरे से कुछ नहीं खाए हैं, अभी 5-6 बज रहे। गाइस यहाँ पे मोमोज का प्राइस है, चिकन मोमोज 100 रुपीज़ 8 पीस और वेज मोमोज 70 रुपीज़ 8 पीस। मोमोज के साइजेस बड़े हैं बहुत, बट हाँ स्टफिंग थोड़ा कम है, दिखने में बहुत बड़ा लगता है बट स्टफिंग में उतना नहीं है। शेजवान चटनी बेस्ट है, मायोनीज कुछ ज़्यादा मीठा लगा मेरे को, शायद होता है यहाँ पे, बट मेरे को शेजवान चटनी ज़्यादा पसंद है। चिकन मोमोज गाइस, हम लोग आ गए हैं स्वीट कॉर्न खाने। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कॉस्टली है बट ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा ऊपर है पहाड़ का, हम लोग को लिटरली देहरादून से 2 घंटे लग गए मसूरी आने में। तो इतना ऊपर इतनी ठंडी में आपको ये सब चीज़ बना के देना तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो होगा, बट टेस्ट ज़बरदस्त है। चिकन मोमोज वॉज गुड, स्वीट कॉर्न ज़बरदस्त है, 70 रुपये आपको लेगा यहाँ पे एक प्लेट स्वीट। ठंडियों में इससे बेहतर कुछ नहीं है, चिकन मोमोज खाओ, स्वीट कॉर्न खाओ। फूड ब्लॉग है, देखते हैं और क्या क्या खाते हैं आगे, लेट्स गो। यहाँ पे इतने ठंड में लड़कियाँ हॉट पैंट में घूम रही है, तो क्या भाई मतलब हम लड़कों शक्ति खत्म हो गया क्या? नहीं, लड़कियाँ हॉट पैंट में घूम रही है भाई इतने ठंड में, और हम लोग स्वेटर वेटर तो, अंदर वो तो फोटोशूट करने के लिए ना, आप उनको सेक्सी दिखाने के लिए। पाव ओह माय गॉड। तो गाइस अभी हम आ गए स्नो व्यू रेस्टोरेंट, यहाँ पे चिकन के आइटम्स मिलते हैं, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चिकन टिक्का, फिश, मटन, सब कुछ है यहाँ पे। लगाओ थोड़ा सा डुबकी, बहुत स्वाद है, थोड़ा सा ड्राई है बाकी सही है।
थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा और जूसी होता तो बेटर होता। अभी हम जो होटल में चिकन तंदूरी और आलू पराठा खाए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, नहीं ठीक ठाक लगा। मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था, नॉट द बेस्ट बट ओके ओके। I've got a one-way ticket and this road that I'm on. It's not the one I would have picked, but it's the only one I know. Am I the only one in this? Am I alone in this mess? I'm not sure which turn I mistook, this much I will confess. Yeah, boy. Sometimes I just get so tough, everything in life gets paid. हमको दिखाइए। अभी तक हम जितना भी चीजें खाए हैं, ये 30 रुपए का है, सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा मेरे को। आपका पेट भी भर जाएगा, गर्म भी है और सबसे चीपेस्ट है, 30 रुपये, मस्ट ट्राई, बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी। अभी हम हैं द फेमस लाइब्रेरी चौक, जिसको हम बोलते हैं मसूरी का द सेंटर पॉइंट ऑफ मसूरी। यहाँ से पूरा चारों तरफ मार्केट है। द फेमस मसूरी लाइब्रेरी जो कि इस्टेब्लिश इन 1843, मतलब समझ सकते हो कितना पुराना है ये, बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक प्लेस है मसूर लाइब्रेरी। तो गाइस फाइनली फॉर द डिनर हम आ गए हैं जनता रेस्टोरेंट। हमने ऑर्डर किया है वेज पुलाव और पराठा, जेन्युइनली बहुत अच्छा। हम डिनर करके अभी जस्ट निकले जनता भोजनालय से। जनता भोजनालय का लोकेशन है मसूरी लाइब्रेरी से जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड जनता भोजनालय है। जनता भोजनालय जो उसका प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंटेड लगा, मतलब 20-30% कम था बाकी होटलों से। 180 रुपीस हमको लगे एक आलू पराठा और वेज पुलाव। द क्वांटिटी वाज वेरी गुड, 180 रुपये लगा टोटल, 90 रुपीस पर हेड, अच्छा खाना हो गया। तो थोड़ा सा चीप, थोड़ा सा इकोनॉमिकल, बढ़िया टेस्ट, हाइजीन, आप जनता भोजनालय जा सकते हो। ये बादल जा रहे हैं, ये देख देख पा रहे हो आप, ये बादल है। Check pretend that he didn't need ya, 'cause every love is ooh la la. बादल है literally, ये देखो बादल, बादल even मेरे कैमरा में हिट कर रहा है, बादल देखो कैमरा में हिट कर रहा है मेरे। बादलों के बीच से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे देवज हल्दर, और कलकत्ता से हमारे संवाददाता शौर्य दास। बताइए कलकत्ता में क्या हाल है, क्या ही बताओ भाई, कैसे लग रहा है आपको बादल में? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली अभी एक सीन हुआ है, वो ये है कि हिमांशु जो है अपना घर का प्लेट लेके रोड पे खड़ा था, साइड में ऐसे ही खड़ा था। कैसे खड़ा था तू? ऐसे खड़ा था और तीन लड़कियां आई और इसको बोलती भैया, ये भैया बोले क्या बेच रहे हो भैया, क्या बेच रहे हो भैया करके उससे पूछी। गजब बेइज्जती है, ऐसे दौड़ना है, हम लोग को भी ऐसे दौड़ना है, शरीर गर्म करना है। शरीर गर्म करने के लिए अपन और क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, शरीर गर्म करने के लिए अपन और क्या, हम डंड बैठक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा था, मैं ऐसा सोचा ही नहीं, मैं दो चीज सोचा था तो बहुत अलग कुछ बोला। एक कॉफी पी सकते हैं और दूसरा चाय पी सकते हैं, ये भी मैंने सोचा था। नहीं आप ओल्ड मॉन्क पी सकते हो, ये एडिट है। तो इसी के साथ गाइस मेक श्योर यू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको पहला मसूरी ब्लॉग पार्ट 1 कैसा लगा? बट लास्ट में जो मैं हमेशा बोलता हूँ, पीस दे आउट, टेक केयर, लव यू ऑल, हरे कृष्णा, जय श्री राम। बस बस नहीं, प्यार करे देश से, प्यार करे सेहत का ध्यान रखे, जय हिंद जय भारत। बहुत दिन से हम ये चीज मिस कर रहे थे, भाई का तबीयत खराब था। लास्ट में मैं ये बोलता हूँ, हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले फिर से वही चीज रिपीट करूँ क्या?